चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर पे देखते हैं और क्या इवेंट हुए हैं आफ्टर 1503, 1503 के बाद। और 1503 में क्या हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री बनाई गई थी या फर्स्ट फैक्ट्री बनवाई गई थी किसके द्वारा, आपके वास्को डिगामा के द्वारा, कहाँ पर, कोचीन में। ठीक है, 1505, जैसे कि मैंने बताया कि अब क्या किया जा रहा है, पुर्तगाल की सरकार ने ये तय किया है कि एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो सारे काम वहाँ पर संभालने के लिए जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, इसे कहा जाएगा गवर्नर। और यहीं से ये टर्म आ जाती है। और फिर जो जो इंडिया आते हैं, जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए, ब्रिटिशर्स हो गए, ये सभी लोग किसे अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को। तो यहाँ पे इन 1505, 1505 में अपॉइंट किया गया फर्स्ट गवर्नर। और पहला गवर्नर ही किसे अपॉइंट किया गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो पहला गवर्नर अपॉइंट किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। क्लियर, फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ये टास्क दिया गया था कि पूरे के पूरे इंडिया के साथ जो ट्रेड होता है, पूरा का पूरा जो भारतीय व्यापार है, और साथ ही वो जो पूरा ट्रेड रूट है, उस पर आपको क्या करना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, मोनोपोली स्टेब्लिश करना है। तो इस टास्क के साथ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडिया आया था 1505 में। और इसने एक इम्पोर्टेंट काम जो किया है इंडिया के पूरे ट्रेड पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं, देखिए 1505 से 1509 तक इन्होंने एक पॉलिसी यहाँ पे लेकर आए थे, जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई, तो भाई अल्मेडा, अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की है। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो बस ये समझें कि हिंद महासागर या इंडियन ओशियन जो था, वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था, किसका, आपके पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने वहां पर इस नीति के तहत ये तय कर लिया था कि कोई भी अगर वहां से गुजरता है, हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से, अरेबियन सी से अगर कोई गुजरता है, तो उसे पहले परमिशन लेना होगी, उसे पहले अनुमति लेना होगी, उसे पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होगा, और तभी वो उस समुद्र में से अपनी नौका को, अपने नाव को वहां से निकाल सकता है। साथ ही उस नाव पर क्या चीज़ रखी गई है, उस शिप पर क्या चीज़ रखी गई है, इस चीज़ का भी निर्धारण किया जाता था, कहीं उस पर स्पाइसेस तो नहीं है, मसाले तो नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड थी वहाँ पर से, है ना, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। और ये पॉलिसी को ही हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, पूरी तरह से नीले रंग की नीति, पूरी तरह से क्या करना, समुद्र पर कंट्रोल करना। यहाँ पर इन्होंने कार्ड सिस्टम भी शुरू किया था, जिसके तहत एक पर्टिकुलर पास मिलता था, और उसके तहत वो इस एरिया से शिप्स गुजरते थे, जहाज गुजरते थे। क्लियर, चलिए, तो एक ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। और फिर अगर हम बात करें इसके बाद, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो ये आ जाता है कि सेकेंड गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है 1509, 1509 में पुर्तगाल की सरकार के द्वारा एक दूसरे गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था, यहां पे जाता है सेकेंड गवर्नर। और दूसरा जो गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क सेकेंड गवर्नर बनकर इंडिया में आता है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की अगर बात की जाए, तो पूरे के पूरे ट्रेड पर और पूरे के पूरे कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर अल्बुकर्क क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो अल्बुकर्क काफ़ी योग्य व्यक्ति था, जैसे अल्मेडा है उसी प्रकार अल्बुकर्क है। और इसीलिए इसे कहा जाता है इंडिया में पुर्तगालियों के कंट्रोल का रियल फाउंडर, या पुर्तगालियों के शासन का जो वास्तविक संस्थापक था, जो रियल फाउंडर था, वो कहा जाता है किसे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज सोवरनिटी इन इंडिया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इसने क्या किया, नवा जो इवेंट है वो ये है, इसने क्या किया इन 1510, 1510 में, 1510 में इसने कैप्चर कर लिया था गोवा को। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 1510 में, कैप्चर टू गोवा, ही कैप्चर गोवा।
इसने गोवा को अपने कंट्रोल में ले लिया है, गोवा को जीत लिया है। गोवा को किससे जीत लिया है ये क्वेश्चन पूछा है। गोवा पर कंट्रोल होता था या जो पूरा कोस्टल रीजन था कोंकण वाला या जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था उस पर उसके मैक्सिमम पार्ट पर कंट्रोल होता था बीजापुर की सल्तनत का। और बीजापुर सल्तनत कब बनी थी तो आप लोगों को पता है 1518 में, जब या उससे भी पहले अगर हम देखें है ना, जब अगर बात की जाए तो यहाँ पे ना बहमनी साम्राज्य, जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ तो उसमें से 5 सल्तनतें बनी थी, तो उन्हीं में से एक सल्तनत थी बीजापुर। और बीजापुर पे शासन होता था किसका, बीजापुर की अगर बात करें तो आदिलशाही वंश का शासन होता था। क्लियर, किसका शासन होता था, आदिलशाही का। तो यहाँ पे रूल कर रहे थे यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने युद्ध में जीत लिया था किसे, गोवा को 1510 में। क्लियर होगी बात, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर 10वें नंबर पे अगर हम बात करें तो और क्या हुआ है, तो यहाँ पर 1511 में इन्होंने मलक्का को भी क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, मलक्का को भी जीत लिया है। तो इन 1511 में कैप्चर मलक्का, मलक्का पर भी अपना कंट्रोल कर लिया है। मलक्का की अगर बात की जाए तो मलक्का एक वाटर स्ट्रेट है, एक जल संधि है, और ये जो वाटर स्ट्रेट है ये इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया के ऊपर या अंडमान निकोबार के ऊपर है। और यहाँ से ना ये जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का जो जल संधि है, ये चाइना की ओर जाने का एक रास्ता है, चाइना की ओर इंटर करने का, चीन की ओर जाने का एक रास्ता हमें मिलता है मलक्का स्ट्रेट से। और मलक्का जल संधि आज के टाइम पर भी चीन की ओर एक रास्ता मिलता है, चीन की ओर ट्रेड करने का एक रास्ता देती है। तो जो जितना भी ईस्टर्न ट्रेड था ना, ईस्टर्न या पूर्वी जो पूरा व्यापार था उस पर कंट्रोल कर लिया था मलक्का स्ट्रेट को अपने नियंत्रण में लेकर, या मलक्का स्ट्रेट पर अपना बेस बनाकर इन्होंने पूरे के पूरे इंडिया के ईस्टर्न ट्रेड पर क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। क्लियर। और इसके बाद जो अगली इवेंट है और वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है 11 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इन 1515 में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका 11 नंबर का इवेंट 1515 इन्होंने होर्मुज पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इन 1515 में कैप्चर क्या, होर्मुज। होर्मुज पर नियंत्रण और होर्मुज पर कंट्रोल करना काफी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है होर्मुज पर कंट्रोल करना। क्लियर। तो होर्मुज पर कंट्रोल कर लिया था 1515 में। होर्मुज की अगर बात की जाए तो ये ओमान में आता है, ओमान में आने वाला एक बंदरगाह है होर्मुज, जो काफी स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए या अगर हम बात करें व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण स्थान है जो ओमान की खाड़ी और पर्सिया की खाड़ी को कनेक्ट करता है, जोड़ता है दोनों के बीच में होर्मुज स्ट्रेट। और आज के टाइम पर भी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है होर्मुज। तो होर्मुज पर कंट्रोल कर लिया जिससे कि जो इंडिया का व्यापार, इंडिया का जो ट्रेड पर्सिया के माध्यम से होता था वहां पर भी कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। तो समुद्र के अलावा लैंड रूट से जो ट्रेड होता है वहां पर कंट्रोल कर लिया है, इधर मलक्का पर कंट्रोल कर लिया है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, उन सारे मेन जो ट्रेड पॉइंट्स थे जहां से व्यापार होता था उनको इन्होंने चौक कर दिया है और उन पर इन्होंने अपने बेस बना लिए हैं। और अब ट्रेड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा होगा, पुर्तगालियों के द्वारा ही होगा। तो ये एक पर्टिकुलर इनकी टारगेट है, ये उनका मुख्य पर्पस रहा है। और देखिए ये है ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे होर्मुज हो गया या मलक्का हो गया, या हम बात करें उस टाइम पर तो था नहीं लेकिन आज के टाइम पर है, स्वेज केनाल 1869 में बनाई गई थी। तो ये कुछ ऐसी जगह है ना। इसके अलावा जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप में आती है, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करती है और साथ ही भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट हैं दुनिया के जिन्हें हम चौक पॉइंट भी बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ट्रेड के लिए, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1515 तक के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनकी बात करी, अब आगे के इवेंट्स जो हैं उनके लिए हम समझ लेते हैं और क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। चलिए चलिए आगे की बात करते हैं अपन, और कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो 1511 में
हॉर्मुज पर कंट्रोल कर लिया है, हॉर्मुज पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे कि वेस्टर्न जो ट्रेड था या पर्सिया के माध्यम से जो ट्रेड होता था वहाँ पर भी पुर्तगालियों का अपना नियंत्रण या कंट्रोल हो चुका था। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक की बात करी। अब हम बात करते हैं 12वें नंबर पर, 12वें नंबर पर क्या इवेंट हुआ है। 12वें नंबर की जो टाइमलाइन है उसकी अगर बात करें तो सबसे खास बात 1530 की अगर बात, देखिए गवर्नर अब चेंज होते रहेंगे है ना, तो मैंने दो महत्वपूर्ण गवर्नरों की बात बता दी है। पहला जो 1505 में आया था, अल्फांसो डी अल्मेडा, और दूसरा जो नाम है वो है अल्बुकर्क। क्लियर? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और पहला जो था वो अल्मेडा था। क्लियर? देखिए अब 1530 में क्या किया, और भी गवर्नर आते रहेंगे है ना, तो बाकी गवर्नर्स की अगर हम बात करें तो उनके बारे में बाद में देखेंगे। 1530 में क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली है, और कैपिटल के रूप में किसे बनाया है, गोवा को। तो गोवा को अपनी राजधानी बना लिया 1530 में। गोवा राजधानी बन चुकी है किसकी, पुर्तगालियों की। इतना कंट्रोल बना लिया है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कर लिया है, इतना क्षेत्र अपने कंट्रोल में कर लिया है कि इन लोगों ने अपनी कैपिटल भी बना ली। कई आइलैंड्स इन्होंने कंट्रोल में कर लिए थे इंडिया के, जैसे बेसिन हो गया, सालसेट हो गया, ये वही आइलैंड्स हैं जहाँ पे आज मुंबई बसा हुआ है महाराष्ट्र में। तो मुंबई जिस जगह पर बसा हुआ है उस जगह पर पहले सालसेट और बेसिन आइलैंड्स हुआ करते थे, उन्हें इन्होंने क्या कर लिया था, जीत लिया था। चलिए, तो गोवा को इन्होंने अपनी कैपिटल बना लिया है। 12 नंबर पे आ गए हैं अपन, और 13 नंबर पे अगर बात की जाए तो 1535, 1535 में, 1535 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैप्चर कर लिया था दीव, जो दमन और दीव होते हैं, तो इन्होंने दीव को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है। ठीक है, 1535 के बाद 14 नंबर पे अगर बात की जाए तो 1556, 1556 सबसे खास बात, 1556 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश की, एक प्रिंटिंग प्रेस क्या की है, स्थापित की है कहाँ पर, भारत गोवा में। तो भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो बनाई गई थी या जो स्थापित की गई थी वो की थी किसने, पुर्तगालियों ने, 1556 में, कहाँ पर, गोवा में। ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है कहाँ पर बनी है, गोवा। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखिए 1556 के बाद अगर हम बात करें 15 नंबर पर, 1559, 1559 इन्होंने क्या किया, इन्होंने दमन को भी कंट्रोल में कर लिया। तो दमन, गोवा, दीव, ये हो गए तीन क्षेत्र, और भी कई छोटे मोटे आइलैंड्स इन्होंने कॉन्कर कर लिए थे, तो उनकी बात नहीं कर रहे फिलहाल है ना। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें, यहां से अब पुर्तगालियों का क्या होना शुरू होता है, यहां से पुर्तगालियों का अब डिक्लाइनेशन शुरू होता है। क्लियर? तो पुर्तगालियों का अब पतन होना शुरू होगा, और पतन के जो घटनाएं होंगी अब हम उनकी बात करते हैं। तो यहां से हम लिख लेते हैं डिक्लाइन, अब डिक्लाइन के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं अगर उनकी बात करें तो 16 नंबर पे जो घटना आती है वो होती है 1612, 1612 या 1611 के लगभग एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ स्वाली, और स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। क्लियर? 11-12 में, तो स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया गया, और फिर क्या हुआ, सूरत में क्या कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, या सूरत में इन्होंने पराजित कर दिया था पुर्तगालियों को। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने सूरत में क्या करा है, पुर्तगालियों को पराजित कर दिया है बैटल ऑफ स्वाली के दौरान, स्वाली के युद्ध के दौरान। तो सूरत में क्या किया है, पराजित किया है, सूरत में अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया है, किसे पराजित कर दिया, पुर्तगालियों। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे डिफीट ऑफ ब्रिटिश इन सूरत। क्लियर? ये एक इवेंट ध्यान रखना है। सूरत जो मुगलों का एक मुख्य व्यापार का गढ़ था, एक मुख्य केंद्र था, और यहीं पर इन सभी यूरोपियंस के ट्रेड सेंटर्स भी बनने लगे थे। 1612 में अंग्रेजों को सूरत में, 1613 में अंग्रेजों ने अपना अपना जो कोठी थी, अपना जो गोदाम था या फैक्ट्री थी, वो 1613 में बनाया था सूरत में। क्लियर? अब देखिए 17 नंबर की अगर बात करें, अंग्रेजों को पहले परमिशन नहीं मिली थी सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र खोलने की, क्यों, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्तुगीज, पुर्तगालियों के कारण ही ये यहाँ पे अपना केंद्र नहीं खोल पाए थे। और फिर जब इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, देन 1613 में इन्होंने अपनी यहाँ पे व्यापारिक केंद्र खोल लिया था। 1612 तक की घटना बता दी। अब देखिए 1641, 1641, 1641
अब इन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा जब मलक्का को जीत लिया किसने, इन्हीं के पड़ोसी मतलब कि इन्हें डचों ने, डचों ने क्या कर लिया था, मलक्का को जीत लिया था। मलक्का, मलक्का को किसने जीत लिया है, डच। देखिए पुर्तगालियों को कंट्रोल में करने का काम किसने किया था, डचों ने किया था। डच मींस द पीपल्स ऑफ नीदरलैंड या हॉलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता था। तो इनके पीछे पीछे डच लोग ही आए थे, पुर्तगालियों के बाद डच ही आए थे, क्योंकि आप लोग, मैंने बताया पुर्तगाली जो पूरा का पूरा गुड्स है, पूरे के पूरे जो माल इंडिया से लेकर जाते थे, प्रोडक्ट्स इंडिया से लेकर जाते थे, लिस्बन तक ही वो ले जाते थे। लिस्बन से उन पूरे प्रोडक्ट्स को पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम डचों का था। इस कारण डच काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर होते जा रहे थे। जिस प्रकार से इंडिया के गुड्स का पहले जो मोनोपोली थी वो किसे थी, वो थी आपके वेनिस को, यानी इटली को। इसलिए इटली वेलफेयर बन गया था, इटली संपन्न बन गया था, इटली की तरक्की हुई थी। एज इट इज घटना अब किसके साथ हुई, पुर्तगाल और आपके डचों के साथ, क्लियर। तो डचों ने 1641 में मलक्का कैप्चर कर लिया है। मलक्का स्ट्रेट जिस पर कंट्रोल था किसका, पुर्तगालियों का, इसको इन्होंने जीत लिया है। अब देखिए साथ ही 18 नंबर पे अगर बात की जाए तो 1659 में डचों ने श्रीलंका को भी क्या कर लिया है, जीत लिया है। श्रीलंका पर भी किसका कंट्रोल हो गया है, डचों का, यानी व्यापार पर, श्रीलंका के व्यापार पर भी किसका नियंत्रण हो गया, डचों का, क्योंकि यहां से भी इन्होंने हटा दिया है, भगा दिया है किसे, पुर्तगालियों को, क्लियर। तो वो थोड़ा सा है ना वेस्ट की साइड से बढ़ रहे हैं, सॉरी ईस्ट की साइड से बढ़ रहे हैं, कौन, डच। डच डायरेक्टली अरब सागर वाले रास्ते से या इस रूट से नहीं आए जिस रूट पे अभी पुर्तगाली हैं या मजबूत हैं, वो लोग इंडिया के ईस्ट साइड से बढ़ रहे हैं। तो मलक्का और फिर मुसलीपट्टनम और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें श्रीलंका, इन्हें धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, कॉन्कर करते जा रहे हैं, कौन, डच। तो यहाँ पे 53 में इन्होंने श्रीलंका को क्या कर लिया था, पुर्तगालियों से छीन लिया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ना 19 नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिखा रहा हूँ। 19 नंबर में हम बात करेंगे 1661 सबसे खास घटना, 1661 जब डचों के कारण पुर्तगालियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा, देन फाइनली इन्होंने क्या किया है, अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है। और इनके बीच में एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, और उसके तहत क्या हुआ कि जो जो ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय या चार्ल्स सेकेंड, उनका विवाह हुआ है पोर्तुगीज प्रिंसेस, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। तो जो कैथरीन ब्रेंगाजा थी या जो कैथरीन थी, उनका विवाह किया गया था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकेंड या चार्ल्स द्वितीय के साथ। और यहाँ पर जब ये विवाह हुआ था तब दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने मुंबई दे दिया था, मुंबई सौंप दिया था। जब मुंबई मतलब जो आइलैंड थे सालसेट और बेसिन, वो किसे सौंप दिया था, वो सौंप दिया था वो दे दिया था किसे, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय क्या करेंगे उस मुंबई क्षेत्र का, क्योंकि वो तो ब्रिटेन के राजकुमार हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, उन्होंने इस पूरे मुंबई वाले एरिया को या रीजन को दे दिया था किसे, 10 pounds के एनुअली लीज पर, किसे दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यहाँ पे मुंबई को दहेज में दिया पुर्तगालियों ने, जब उनकी ही राजकुमारी का विवाह हुआ ब्रिटेन के ही राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो 61 में क्या हुआ, बॉम्बे गिफ्टेड टू चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स द्वितीय को मुंबई क्या कर दिया गया है, गिफ्ट कर दिया गया है, मुंबई गिफ्ट में दे दिया गया है। और मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 10 pounds एनुअल के लीज पर, 10 pounds 10 pounds एनुअली लीज पर दे दिया गया था मुंबई किसे, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। फिर हम बात करते हैं 20 नंबर पे 1663 आते आते भारत से लगभग बाहर हो गए थे पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों का लगभग क्या हो चुका था, सफाया हो चुका था इंडिया से, कब तक, 63 तक। तो यहाँ पे हम बोल दें कि भारत से लगभग बाहर हो चुके हैं, भारत से लगभग इनका एग्जिट हो चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, डचों का, सबसे महत्वपूर्ण रोल जो निभाया है पुर्तगालियों को इंडिया से खदेड़ने में, वो किसने निभाया है, डचों ने, क्लियर। और फिर अगर हम बात करें 21 नंबर पे, तो इनका जो कंट्रोल था ना 63 के बाद भी बना हुआ था 3 एक क्षेत्रों पर।
कुछ क्षेत्रों पर इनका कंट्रोल था, जैसे गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसे आइलैंड्स थे, कुछ ऐसे टेरिटरी थी जिस पर यहाँ पे जहाँ पे इनका कंट्रोल था ना। आइलैंड्स नहीं है, इंडिया की मेन टेरिटरी में ही आते हैं, गोवा, दमन, दीव, इन पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया, क्लियर। और इन पर चलता रहा इनका कंट्रोल, है ना, इन पर ये लोग रूल करते रहे। और 1961 में इनसे गोवा, दमन, दीप को भी क्या किया गया है, छुटकारा मिला है, और वो भी इंडिपेंडेंट होकर भारत में मिल गए। तो गोवा, दमन और दीप, दमन और दीप 1961 में फ्री हुए थे और भारत में मिल गए थे, भारत में मर्ज हो गए थे, क्लियर। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन मैंने आप लोगों को बताई है भारत में पुर्तगालियों की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, है ना। होने को तो और भी हम कई सारे पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, लेकिन हमने मोस्ट जो आईएमपी हैं जिनके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हमने उन्हीं को लिया। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें, 1487 क्या हुआ है, 1487 में बार्थोलोमियो डियाज इंडिया के लिए निकला था और अफ्रीका के एकदम साउथ पॉइंट तक, केप ऑफ गुड होप जिसे कहा जाता, वहां तक पहुंचा और वहां से लौट आया था, ठीक है। उसके बाद 10 या 11 ईयर के बाद आया था वास्को डी गामा, 17 ऑफ मई 1498 को कालीकट के तट पर पहुंचा था। गुजरात के ही एक व्यापारी अब्दुल अहमद मुनीज के पथ प्रदर्शन में, और मिला था जेमोरिन से। 1500 में सेकेंड कैंपेन भेजा गया था, 1500 में बार्थोलोमियो डियाज उनके साथ आया था, जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज केब्राल, जो 13 जहाज लेकर आया और 1200 लोगों के साथ आया। और ये प्लान बनाकर आया है कि किसी भी तरह से अरबों को यहाँ से क्या करना है, अरबियंस को क्या करना है, खदेड़ना है और इंडिया के ट्रेड को अपने हाथ में लेना है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट्स को उसने देखा, कई सारे ऐसे पॉइंट्स उसने ध्यान रखे जो इंडिया में कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। फिर 1502 की अगर बात करें तो यहाँ पर वापस आया था वास्को डी गामा, और यहाँ पे उसने 1503 में एक कोचीन में अपनी पहली कोठी इस्टेब्लिश की थी, क्लियर। 1503 के बाद अगर हम बात करें 1505 में, तो यहाँ पे जो पुर्तगाल की सरकार या राजा थे, उन्होंने अब यहाँ पे गवर्नर्स अपॉइंट करना शुरू कर दिया एक अभियान के तहत, एक प्रोग्राम के तहत, और उन्हें एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया। तो 1505 में पहला गवर्नर अपॉइंट किया गया था अल्मेडा को, और फिर 1505 से 1509 में अल्मेडा ने एक पॉलिसी शुरू की थी जिसे बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। 1509 में दूसरा गवर्नर अपॉइंट किया गया था जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अपॉइंट किया गया था आपके, अगर बात की जाए तो 1509 में, और 1510 में इसने क्या किया, गोवा को अपने कंट्रोल में कर लिया। अल्बुकर्क को ही कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज सॉवरनिटी इन इंडिया। फिर 1511 की अगर बात की जाए, 1511 की बात की जाए, तो इन्होंने मलक्का जो स्ट्रेट है, जो पूर्व में चाइना तक व्यापार करने का एक रास्ता हमें मिल जाता है ईस्ट में, उस पर कंट्रोल कर लिया 1511 में। 1511 के बाद 1515 में इन्होंने होर्मुज जो स्ट्रेट है, होर्मुज जो एक पोर्ट था, काफी महत्वपूर्ण जगह है होर्मुज व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, तो 1515 में होर्मुज पर भी कंट्रोल कर लिया है, जिससे वेस्ट में या पर्सिया के साथ, पर्सिया के जरिए जो ट्रेड होता है यूरोप तक, वो बंद हो गया, है ना। और फिर 1530 में कैपिटल अपनी बना ली है, किसे, गोवा को अपनी राजधानी बना ली है। इसके बाद अगर बात किया 1535 में दीव को अपने कंट्रोल में कर लिया है। फिर 1556 में प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश कर दिए गोवा में। 1559 में दमन को कैप्चर कर लिया। फिर अब डिक्लाइनेशन की बात की जाए तो 1612 या 1611 में एक युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध, जिसमें हारे थे पुर्तगाली, और 1612 में सूरत में भी हार गए थे अंग्रेजों से। फिर हम बात करें तो 1641 में मलक्का को जीत लिया डचों ने। 1659 में श्रीलंका को डचों ने कंट्रोल कर लिया। फिर अगर हम बात करें 1661 में, तो बॉम्बे को क्या किया गया, गिफ्ट कर दिया गया है चार्ल्स द्वितीय को, है ना, दहेज के रूप में दे दिया था पुर्तगालियों ने। 63 तक लगभग पूरा एग्जिस्ट हो चुका था यहाँ पर, किसकी हेल्प से, डचों की हेल्प से या डचों के द्वारा। और 61 में जो बची हुई कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे ये अभी तक थे, फाइनली अंत तक जो बचे रहे गोवा, दमन और दीप पर, उन्हें भी आज़ादी मिल गई और वो भी इंडिया में शामिल हो गए 1961 में। तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन मैंने बता दी आप लोगों को जो है रिलेटेड टू पोर्तुगीज, पुर्तगालियों से रिलेटेड। अब हम एक एक जो इवेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारे इवेंट्स को जो इम्पोर्टेंट होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वास्को डी गामा जो इंडिया आया है उससे, क्लियर, यानी वास्को डी गामा से। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, क्योंकि हमें अराइवल ऑफ पोर्तुगीज को अलग अलग फेज में पढ़ना है। तो पहले फेज में हमने पूरी टाइमलाइंस डिस्कस की है, सेकेंड में हम बात करेंगे रीजन्स की, और थर्ड में हम बात करेंगे जितने भी हमने
टॉपिक्स टाइमलाइंस में लिए हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, और फिर फोर्थ में हम इम्पैक्ट की बात करेंगे ना, प्रभाव की। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रीज़न क्या थे, कारण क्या थे, पोर्तुगीज़ के इंडिया में आने के कारण क्या थे, किस कारण से इंडिया आए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा कारण है, आप लोग सभी जानते हैं। पहले नंबर पे अगर बात की जाए तो सबसे मेन कारण क्या है, वो है ट्रेड। क्या करना, व्यापार करना, भारत के साथ व्यापार करना ही एक मेन टारगेट है। इसके इससे बढ़ के कोई टारगेट ही नहीं है, समझ गए ना। तो दूसरा कोई बड़ा उद्देश्य ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा टारगेट क्या है, भारत के साथ व्यापार करना। इसके अलावा जो टारगेट्स हैं वो अदर टारगेट्स में जाएंगे, क्लियर, अदर रीजन्स में जाएंगे। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ना ये लोग उस मोनोपोली को ख़त्म करना चाह रहे थे जो ट्रेड मोनोपोली पर कब्जा किया हुआ था। किसने, एक तो अरबियों ने और दूसरा आपके जो बेनिस या इटली के लोग थे, इटालियंस उन्होंने। तो दूसरा जो कारण था वो था टू एंड द ट्रेड मोनोपोलीज ऑफ अरेबियंस एंड इटालियंस। अरेबियंस और इटालियंस की ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करना, क्योंकि एशिया का जितना भी ट्रेड था वो अरबियों के हाथ में था, और भूमध्य सागर से यूरोप का जो पूरा का पूरा ट्रेड था वो इटालियंस और जिनेवा के लोगों के हाथ में था। तो इन ट्रेड मोनोपोलीज को ख़त्म करना ही एक लक्ष्य था किसका, आपके पुर्तगालियों का। तीसरा कारण क्या था इंडिया में आने का, तीसरा कारण था रिलीजियस धर्म का प्रचार करना, यानी क्रिश्चियन रिलीजन को क्या करना, प्रमोट करना, टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना, ये भी एक टारगेट था। चौथे नंबर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ईस्टर्न यानी पूर्वी व्यापार और हिंद महासागरीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, पूर्वी व्यापार और हिंद महासागरीय व्यापार पर क्या करना, एकाधिकार स्थापित करना, यानी मोनोपोली ऑन ईस्टर्न ट्रेड एंड इंडियन ओशियन ट्रेड। तो इंडियन ओशियन ट्रेड और ईस्टर्न ट्रेड पर अपनी एकाधिकार कंट्रोल करने, एकाधिकार स्थापित करने के लिए। पांचवा जो रीज़न था इंडिया में आने का वो ये था कि एशिया के जितने भी व्यापारिक इंट्रेंस हैं, व्यापारिक जो बिंदु हैं, उन पर क्या कर लेना, अपना कब्जा कर लेना, क्लियर, ऑक्यूपेशन ऑफ इम्पोर्टेंट ट्रेड बेस ऑफ एशिया, क्लियर। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो ट्रेड बेस हैं यानी व्यापार के जो आधार हैं, उन पर क्या कर लेना, कंट्रोल कर लेना, उन पर ऑक्यूपेशन कर लेना। तो एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक अड्डों पर अपना कब्जा करना चाह रहे थे, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कुछ ऐसे आइलैंड्स होते हैं, कुछ ऐसे द्वीप होते हैं जहाँ से ट्रेड होता है, जहाँ से व्यापार होता है, या उन पर्टिकुलर आइलैंड्स को, उन पर्टिकुलर क्षेत्र को भी क्या करना, नियंत्रण में करना, ठीक है, और अपना व्यापारिक बेस बनाना, अपना व्यापारिक आधार बनाना। छठे नंबर पे अगर बात की जाए तो समुद्र के प्रवेश द्वारों पर, समुद्र के प्रवेश द्वारों पर बेस स्थापित करना, टू सेटिंग अप बेसिस एट ऑल दी सी एंट्रेंस, क्लियर, टू सेटिंग अप बेसिस ऑन ऑल दी सी एंट्रेंस। तो जितने भी समुद्र के प्रवेश द्वार हैं उस पर अपना आधार, अपना बेस क्या कर लेना, इस्टेब्लिश कर लेना। जैसे कि मलक्का हो गया है या हॉर्मुज हो गया, 1511 में मलक्का को जीत लिया था ना, और अगर बात की जाए 1515 में हॉर्मुज जो इम्पोर्टेंट जगह है उसे इन्होंने नियंत्रण में ले लिया था। तो इस तरह से जितने भी एंट्रेंस थे इन्हें अपने कंट्रोल, अच्छा इनको एंट्रेंस को कंट्रोल में करके क्या करते थे, तो ऐसा नहीं है कि हर एक जहाज को जाने से रोकते थे, क्लियर, जहाज़ों को जाने दिया जाता था, लेकिन इस चीज़ को निर्धारित करने के बाद कि उस शिप के ऊपर क्या है, उस शिप पर दो तीन चीज़ें नहीं होना चाहिए, जैसे कि काली मिर्ची नहीं होना चाहिए, ब्लैक पेपर नहीं होना चाहिए, साथ ही किसी भी प्रकार के वेपन्स या गोला बारूद नहीं होना चाहिए, क्लियर। और ये जो शिप गुजरते हैं इन्हें परमिशन लेना चाहिए, परमिट मिल जाए, परमिशन मिल जाए उसके बाद ये जा सकते हैं, और अगर इन्होंने परमिशन नहीं ली है तो फिर इन्हें खतरा होगा, इन्हें नुकसान होगा, किससे, पुर्तगालियों से, और साथ ही समुद्री डकैतों से या समुद्री लुटेरों से भी इन्हें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, ये इनके कुछ रीजन थे, इनके कुछ कारण थे, कुछ कोशिश थे जिसके कारण पुर्तगाली इंडिया में आए थे, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि सबसे पहला कारण क्या है, तो ट्रेड या व्यापार अपने हाथ में लेना, या व्यापार करना इंडिया के साथ, क्या करना, ट्रेड करना, इंडिया के प्रोडक्ट्स को लेकर यूरोप तक पहुँचाना, क्लियर। दूसरा नंबर है कि ट्रेड मोनोपोली जो बनी हुई थी किसकी, अरेबियंस की और दूसरी इटालियंस की, उससे मुक्ति चाह रहे थे ये।
तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो प्रमोशन करना अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, साथ ही ईस्टर्न ट्रेड और जो इंडियन ओशियन ट्रेड है उस पर अपना मोनोपोली बनाना, साथ ही अगर बात की जाए तो ऑक्यूपेशन ऑफ इंपोर्टेंट ट्रेड बेस, जो मुख्य व्यापारिक आधार है उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, और जो इंपोर्टेंट जो सी एंट्रेंस है, जो मुख्य समुद्री द्वार है जैसे मलक्का और हॉर्मुज, उन पर भी अपना कंट्रोल करना। ये मुख्य टारगेट थे, ये मुख्य रीजन थे जिनके कारण ये लोग इंडिया में आए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो अलग अलग इवेंट्स हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनके बारे में, और इसमें सबसे पहला नाम आता है वास्को डी गामा का। ना बार्थोलोमियो डियाज के बारे में एक ही पॉइंट है कि बार्थोलोमियो डियाज इंडिया आ रहा था या आने के लिए निकला था 1487 में, लेकिन अगर बात की जाए तो वो अफ्रीका के एकदम साउथ वाले पॉइंट से ही आकर क्या हो चुका था, लौट चुका था। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले नंबर पर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वास्को डी गामा। क्लियर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वास्को डी गामा के बारे में, और आप सभी को मैंने सबसे पहला पॉइंट ही ध्यान रखना है, वास्को डी गामा 17 May 1498 में कहाँ पहुँचा था, मैं कालीकट के तट पर पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था, कालीकट के तट पर, कालीकट के तट पर पहुँचा 1798 में। और यहाँ पे अगर बात की जाए कालीकट के तट पर जब ये पहुँचा है तो किस तरह से पहुँचा है, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये पहुँचा है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप होता हुआ, केप ऑफ गुड होप किस जगह को कहा जाता है, तो केप ऑफ गुड होप कहा जाता है अफ्रीका का जो एकदम वेस्टर्न किनारा होता है ना, उस क्षेत्र को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। और केप किसे बोलते हैं, तो आप लोगों को बता दिया, हिंदी में बोला जाता अंतरिप, आशा अंतरिप, क्या बोलते हैं, आशा का अंतरिप। तो वहां पर क्या हुआ कि ये जो जगह है ये केप किसे बोलते हैं ना, केप बोला जाता है स्थल का वह भाग जो समुद्र में समुद्र की ओर हो, है ना, जमीन का वो भाग जो समुद्र की ओर हो उसे क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे बात बोलेंगे कि ये किसके पथ प्रदर्शन में आया था, किसके पीछे पीछे आया था, ये किस व्यक्ति ने इसकी हेल्प करी थी इंडिया तक पहुंचने में, तो गुजराती व्यापारी था जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद, जो गुजराती व्यापारी था अहमद इब्न मजीद के पथ प्रदर्शन में उसके पीछे पीछे पीछा करते हुए इंडिया तक पहुंचने का काम किया था, किसने, आपके वास्को डी गामा ने। तो एक पॉइंट आप लोग ये समझ गए। तीसरे नंबर पे जब ये इंडिया पहुंचा या कालीकट पहुंचा, तो कालीकट में आने के बाद ये किससे मिला, ये मिला एक हिंदू रूलर से, हिंदू शासक से, जो कालीकट का एक नेटिव रूलर था जिसका नाम था जेमोरिन। ही मीट विथ जेमोरिन, इसकी मुलाकात हुई जेमोरिन के साथ, और जेमोरिन ने इसका काफ़ी अच्छी तरह से स्वागत किया है, किसी प्रकार से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेमोरिन ने यहाँ पे स्वागत किया है ना। जेमोरिन ग्रीटेड टू वास्को डी गामा का वेलकम किया है, स्वागत किया है किसने, जेमोरिन ने। क्लियर, इसके पीछे का जो कारण था वो ये था क्योंकि जेमोरिन समझ चुका था कि वास्को डी गामा कोई हमसे युद्ध करने के लिए, हमारे किसी भी प्रकार की उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पायरेशन नहीं है, ये किसी प्रकार से खतरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार या ट्रेड के पर्पज से आए हैं। और चूंकि उस समय इंडिया का जो ट्रेड था वो अरेबियन ट्रेडर्स के हाथ में था, और जिनसे इन्हें काफ़ी मुनाफा होता था, इनके रेवेन्यू में काफ़ी इंक्रीमेंट होता था, इनका जो राजस्व था वो बढ़ता था, है ना, तो ये व्यापारियों से खुश थे, इन्हें व्यापारियों से कोई नुकसान नहीं था। क्लियर, तो यहीं पर जब ये लोग आए तो इनसे भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनका स्वागत किया। लेकिन
धीरे धीरे जब जेमोरिन को पता चला इनके राजनीतिक इच्छा क्या है, इनकी पॉलिटिकल एस्पायरेशन क्या है, कि ये तो इंडिया पर अपना नियंत्रण चाहते थे, ये तो पॉलिटिकली कंट्रोल करना चाहते थे इंडिया पर, और जब इन्होंने क्या करना शुरू किया, जब इन्होंने कुछ आइलैंड्स को अपने नियंत्रण में कर लिया और वहाँ पर अपने व्यापारिक बेस बनाना शुरू कर दिया, तो ये सब जब एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म की, तब जाकर जेमोरिन और पुर्तगालियों के बीच में क्या हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या विवाद हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट्स आप लोगों को बताया, जब वास्को डी गामा इंडिया आया है तो तीन इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहला केप ऑफ गुड होप से होते हुए आया है जो अफ्रीका का एकदम साउथ में आता है, दूसरा फिर गुजरात के ही एक व्यापारी जिसका नाम था अहमद इब्न मजीद ने की सहायता से इंडिया आया, और फिर तीसरा है उस समय के जो रूलर थे जिनका नाम था जेमोरिन, और जेमोरिन ने उसकी उसे स्वागत किया, उसको वेलकम किया है, उसको ग्रीट किया है। लेकिन जब जेमोरिन को पता चलता है पोर्तुगीज की पॉलिटिकल एस्पायरेशन, देन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, यानी पुर्तगालियों और जेमोरिन के बीच में, ठीक है। अब दूसरी बात अगर की जाए यहाँ पे किसकी, अरेबियंस की, अरबों की अगर बात की जाए, तो अरब ट्रेडर्स ने पुर्तगालियों का क्या किया, विरोध किया है, अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध किया है, दे अपोज्ड द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। तो यहां पे अगर हम अरेबियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, क्लियर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अगर हम अरेबियंस के, अरेबियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, तो ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि अगर अरेबियंस का कंट्रोल है, अगर कोई दूसरा आ जाएगा वहां पर, है ना, वही काम करने के लिए, तो वो उसके विरोध में तो खड़े होंगे ही ना, उसका रिवोल्ट तो करेंगे ही, क्योंकि अगर आप कोई एक काम करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी अगर उसी काम की इच्छा से अगर आता है, तो आप ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि यहाँ से चला जाए, है ना, वो हमारी आंखों के सामने भी मौजूद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अरेबियंस की, तो दे अपोज्ड द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज, या they revolted against the arrival of Portuguese। तो इन्होंने विद्रोह किया है किसके खिलाफ, पुर्तगालियों के इंडिया में आगमन के खिलाफ, है ना। तो ये खुश नहीं है, कौन खुश नहीं है, अरेबियंस खुश नहीं है, क्लियर। अरेबियन रिवोल्टेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज। तो यहां पे अगेंस्ट और हम जोड़ देते हैं, द अराइवल ऑफ पोर्तुगीज, क्लियर। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि पोर्तुगीज के अराइवल का सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे ज्यादा गुस्सा कौन हुए हैं, वो हुए हैं आपके अरेबियंस, ठीक है। अब ज्यादा नाराज नहीं किया, ज्यादा समय तक रुका नहीं, यहां से वापस लौट गया। तो जब ये वापस लौटा है, क्लियर, जब ये वापस लौटा है, तो अपने साथ काली मिर्च जो लेकर गया था, अपने साथ जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया से लेकर गया था, उसके कारण इसे 60 times क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 60 times 60 गुना क्या कमाया है इसने, प्रॉफिट कमाया है। और जब इतना प्रॉफिट इसने अर्न किया है यूरोप में अपने देश पुर्तगाल में, तो इससे कई लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, कई लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, और अब वो भी यहाँ पर इस काम में एक्टिव रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए वो इंस्पायर हो गए, क्योंकि 60 times 60 गुना, जैसे मान लो कि इसने 10 रुपये खर्च किए थे इंडिया में आने के लिए, कितने रुपये खर्च किए थे इंडिया में आने और जाने के लिए, उसने 10 रुपये खर्च किए थे, और अब इसे प्रॉफिट हुआ है कितना, अपने खर्चे का 60 गुना। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे आ जाता है आपका कितना, 600, यानी 600 रुपये का इसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 10 के खर्चे पर 600 का प्रॉफिट, यानी कितने गुना उसको प्रॉफिट हुआ, आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। और इससे ही पुर्तगाल के लोग और ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, और उन्होंने और ट्रेड को बढ़ाने में अपनी कोशिशें शुरू कर दी, क्लियर। चलिए, तो यहाँ तक की बात आप लोग समझ गए होंगे, अब आगे की देखते हैं बातें और क्या होती है। तो 1500 to 1502 में ही रिटर्न्ड बैक टू इंडिया, ये इंडिया वापस आता है, ये इंडिया दोबारा आता है, रिटर्न टू इंडिया। तो एक चीज यहाँ पे समझ लें, रिटर्न टू इंडिया, भारत वापस आया है, और भारत वापस कब आया है, 1502 में,
1502 में इंडिया वापस आता है, और फिर एक इम्पोर्टेंट इवेंट जो होता है वो ये कि 1503 ये क्या करते हैं कि इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं केरल के कोचीन में। तो कोचीन में पहली फैक्ट्री यहाँ पे लगाई जाती है, कोचीन में, ये अभी बता चुका हूँ मैं। तो कोचीन में क्या होती है, फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है, पहला गोदाम बनाया जाता है, फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचीन बनाई जाती है कोचीन में। तो यहाँ पे समझ लेंगे आप लोग, फैक्ट्री बना दी है, एक गोदाम बना दिया है कोचीन में, पुर्तगालियों के व्यापार का एक सेंटर बन गया कोचीन, ठीक है। फिर ये वापस भी लौट जाता है ना, 1503 के बाद कुछ दिनों के बाद वापस लौट जाता है, और फिर ये अगेन थर्ड टाइम इंडिया आता, तीसरी बार इसका इंडिया में आगमन होता है। तो यहाँ पे अगर हम तीसरे बार की बात करें तो इन 1524 में थर्ड टाइम, तीसरी बार ये इंडिया आता है, क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, ही बेक इंडिया थर्ड टाइम, तीसरी बार थर्ड टाइम इंडिया वापस आया। लेकिन जैसे ही इंडिया आया है वैसे ही, अच्छा इस बार जब ये इंडिया आया ना तो इंडिया में गवर्नर के रूप में अपॉइंट होकर आया था, भारत में गवर्नर बनकर इसे भेजा गया था या गवर्नर बनाकर इंडिया भेजा गया था। लेकिन जैसे ही इंडिया पहुंचता है, जैसे ही ये अपने बंदरगाह या कालीकट पर पहुंचता है, वैसे ही इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अगर हम बात करें इसकी मृत्यु की या इसकी डेथ की, तो डेथ होती है 24 दिसंबर 1524 को। तो 1524 में इसकी डेथ हो गई है, इसकी मृत्यु हो गई है, और चूंकि कोचीन में इसकी मृत्यु हुई थी, और इसीलिए इसकी जो कब्र है, इसकी जो समाधि है ना, जो टॉम्ब है, वो भी कहाँ पर बनवा दी गई है, कोचीन में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोचीन में ही जो है समाधि मिलेगी किसकी, वास्को डी गामा की, क्लियर। वास्को डी गामा नाम से एक सिटी भी है, एक शहर भी है गोवा में, वास्को डी गामा नगर, क्लियर, कहाँ पर है, गोवा में। और अगर बात की जाए तो गोवा का जो सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे बड़ी सिटी है, वो वास्को डी गामा नगर ही है, और कैपिटल आप लोगों को पता है, कैपिटल पणजी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इंडिया कब आया था पहली बार, 17 मई 1498 को, कहाँ आया था, तो कालीकट के तट पर आया था, कालीकट के तट पर आया था, और केप ऑफ गुड होप होते हुए आया है, गुजराती व्यापारी की हेल्प से आया है, जेमोरिन से उसने मुलाकात की थी। फिर जब इंडिया बाद से वापस लौट गया तो कितनी प्रॉफिट उसको मिली है इंडिया में आने के बाद, 60 times प्रॉफिट अर्न की है। कौन इससे खुश नहीं थे, कौन लोगों ने इसके खिलाफ अपोजिशन किया था या रिवोल्ट किया था, तो आंसर हो जाएगा सिंपली अरेबियंस। और अगर हम बात करें 1502 में दोबारा इंडिया आया, 1503 में कोचीन में एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कराई, और 1524 में जब थर्ड टाइम इंडिया आया तो आते ही इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई थी। और डेथ होने के बाद इसकी जो कब्र है, इसकी जो समाधि है, वो कोचीन में बनाई गई। क्लियर हो गई बात इतनी। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे गौर करेंगे नेक्स्ट पर्सन के बारे में, नेक्स्ट व्यक्ति के बारे में। देखिए अब इसके बाद क्या हुआ ना, 1500 में, यहाँ तक की बात तो हमने सिर्फ की है वास्को डी गामा, हम बात करेंगे 1500 में क्या हुआ था। जब ये पहली बार चला गया था तो फिर एक बड़ा कैंपेन भेजा गया था वहां के राजा के द्वारा, किसके लीडरशिप में, किसके नियंत्रण में, तो वो आता है आंसर पेड्रो अल्वारेज केब्राल। तो पेड्रो अल्वारेज केब्राल को भेजा जाता है, और टारगेट होता है, टारगेट होते हैं कौन, अरेबियंस, कि अरेबियंस को पूरी तरह से खत्म करने का टारगेट देकर भेजा जाता है पेड्रो अल्वारेज केब्राल को। तो अब 1500 में जो कैंपेन शुरू हुआ है उसके बारे में गौर करेंगे, और पेड्रो अल्वारेज केब्राल के ऊपर बात करेंगे, क्लियर।